हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो? होप्स आप सब बढ़िया हो गए। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट कॉमर्स मेड इजी। यहाँ पे आपको यूजीसी नेट दिसंबर 2024 के लिए कॉमर्स पेपर टू, जिसका कोड 08 है, उसका कंप्लीट सिलेबस यूनिट वाइज करवाया जाएगा। यूनिट वन से लेकर 10 तक आपको कंप्लीट तैयारी करवाई जाएगी, अलॉन्ग विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिनको हमेशा यूजीसी टच करता है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, सारे कवरअप करवाए जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। जितना भी आपका रिटर्न मटेरियल है, नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे और व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएंगे, जिसका लिंक आपको यूट्यूब डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। सो दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब कर लो। यूट्यूब चैनल पे आपको डेली बेसिस पे क्लासेस करवाई जाएंगी फ्री ऑफ कॉस्ट। नोट्स आपको व्हाट्सएप चैनल प्लस टेलीग्राम चैनल दोनों पे अवेलेबल हैं। सो करते हैं आज का सेशन बिगिन। हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो? होप सो आप सब बढ़िया हो गई। जैसे आपको पता है, हम यूनिट नंबर 9 लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस कर रहे हैं। जो आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक, वो हम करने जा रहे हैं स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स। देखो, जो आपके स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, अब कल मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट्स का डिटेल में अच्छे से करवा दिया था, अब आते हैं स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। जो आपके स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ये वो स्पेसिफिक टाइप है कॉन्ट्रैक्ट्स की, जिनको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 रिकॉग्नाइज भी करता है, उनको गवर्न भी करता है। मतलब ये फुल फ्लैज रिकॉग्निशन इनको मिली हुई है 1872 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के द्वारा, और वो ही इसके रिगार्डिंग, इसके गवर्नमेंट के रिगार्डिंग सारे रूल्स और रेगुलेशंस को फ्रेम करता है। अगर मैं आपको इनमें से बताऊँ, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिटी गारंटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट प्लेज एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, ये मेन हम करने वाले हैं, जो पेपर में बहुत बार पूछे जाते हैं। देखो, सबसे पहले आता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी। देखो, जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है, यानी जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है इंडेमनिटी का, ये वो कॉन्ट्रैक्ट है जहाँ पे एक पार्टी दूसरी पार्टी को प्रॉमिस करती है कि वो अगर कोई लॉस होता है या कोई डैमेज होती है उनके कारण, तो वो जिस बंदे ने, जिस पार्टी ने लॉस एंड डैमेज को फेस किया, वो उसको कंपेंसेट करेंगे। अब ये प्रोमिसर या कोई भी बंदा हो सकता है जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया हुआ है। कहने का मतलब सिंपल ये है, ए और बी पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किए, अगर ए पार्टी ने अब काम करना, वो प्रोमिसर है, सो वो बी पार्टी को कहता है अगर उसकी वजह से, उसके एक्ट के दौरान कोई भी बी पार्टी को लॉस या डैमेज सफ़र करनी पड़ती है, तो वो उसको ड्यूली कॉम्पेंसेट करेगा। अब जो इनडेमनीफायर होता है, इसमें वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा लेता है कि जो बंदा लॉस सफ़र करेगा, देखो जो लॉस सफ़र करता है उसे इनडेमनीफाइड पार्टी कहा जाता है, और जो उसको कॉम्पेंसेट करेगा वो इंडेमनीफायर होता है। यानी एक इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी होता है। मान लो अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया है, सो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ गई, जो भी आपके मेडिकल एक्सपेंसेस हैं, उसके सारे खर्चे आपका इंश्योरेंस कंपनी बियर कर लेगी, यानी वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है। सो जो इंश्योरेंस कंपनी है वो इंडेमनीफायर और आप इंडेमनीफाइड पार्टी हो। सेकेंड आता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। देखो, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी वो कॉन्ट्रैक्ट है जहाँ पे एक बंदा, जिसे आप श्योरिटी कहते हो, वो प्रॉमिस करता है कि भाई वो जिम्मेवार है आपके डेट के लिए, या आपकी जो ऑब्लिगेशन है दूसरे बंदे की, जिसको आप प्रिंसिपल टेटर कहते हो, जो डिफॉल्ट करता है। यानी गारंटी सिंपली ये होती है, अगर मान लो ए बंदे ने बैंक से लोन लिया, बैंक ने उसे कह दिया कि हम आपको लोन तब देंगे आपका जब कोई बंदा गारंटी देगा, सो उसने, बी बंदा अपना उसका फ्रेंड था, बी बंदे ने उसकी गारंटी उठा ली कि अगर, और उसने बी बंदे ने जो उसकी गारंटी उठाई वो बैंक के को बता दिया कि अगर ए बंदा डिफॉल्ट करता है, किसी भी कारण आपका पैसा नहीं मोड़, वापस नहीं देता, तो जो बी बंदा है वो बैंक को उसके बिहाफ पे पैसे देगा। ये होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। यानी जो श्योरिटी या जो बंदा गारंटी दे रहा है, वो ये कहता है कि भाई जो प्रिंसिपल डेटर की ऑब्लिगेशंस बनती है, वो उसको उसके बिहाफ पे परफॉर्म कर देगा। अगर प्रिंसिपल डेटर जो फेल हो जाता है कि वो अपनी ऑब्लिगेशन किसी भी कारण नहीं पूरी कर पाता, तो जो श्योरिटी है वो लायबल हो जाता है क्रेडिटर को। यानी अब जो श्योरिटी, जिसने गारंटी ली थी, वो उसके पैसे चुकाएगा। जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, वो कॉन्ट्रैक्ट्स, कुछ स्पेसिफिक गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट्स है वो कवर अप करता है, कंटिन्यूइंग गारंटी के करता है, और इवन विदाउट कंसीडरेशन जो गारंटी है उसके भी वो कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सेप्ट करता है। एक क्वेश्चन था, एन इंडेमनिटी होल्डर इज एंटाइटल्ड टू, उन्होंने आपको चॉइसेस दे दी, चूज करके बताओ इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर है। देखो, सबसे पहले, ऑल डैमेजेस विच ही मे बी कंपेल्ड टू पे इन एनी सूट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी मैटर टू विच द प्रॉमिस अप्लाई। देखो, जो इंडेमनिटी होल्डर होता है, सबसे पहले अगर उसको किसी भी कारणवश कोई भी डैमेजेस को पे करना पड़ गया, वो उन डैमेजेस के रिगार्डिंग क्लेम कंपेंसेशन कर सकता है, यानी कंपेंसेशन को क्लेम कर सकता है
ठीक है। सो ये इंडेमनी होल्डर की एक इंटाइटलमेंट है, उसके पास राइट है। दूसरा, ऑल कॉस्ट डेट ही मे बी कंपेल्ड टू बियर इन डिफेंडिंग एनी सच सूट। अगर उसने कोई पिछले केस में कोई केस किया था, केस की उसको लिटिगेशन चार्जेस देने पड़ गए, वो सारी कॉस्ट वो अपनी इंडेमनीफाई करवा सकता है। ऑल सम्स डेट ही मे हैव पेड अंडर टर्म्स ऑफ एनी कॉम्प्रोमाइज ऑफ सच सूट। अगर इंडेमनी होल्डर ने, इंडेमनिटी होल्डर ने कोई भी केस के चलते हुए कोई भी कॉम्पेंसेशन किसी को पे किया, जो उसको डैमेजेस को पूरा करना पड़ेगा, वो इंडेमनिटी से थ्रू द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी उन जो वो सम्स है वो वापस ले सकता है। अब आगे आते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स बेलमेंट की और प्लेज के, ये भी बड़े इंपॉर्टेंट है। देखो, जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट है ये वो कॉन्ट्रैक्ट है जहाँ पे एक पार्टी जिसे आप बिलर कहते हैं वो गुड्स को डिलीवर करती है दूसरी पार्टी को, जिसको आप बेली कहोगे, एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए, यानी गुड्स को देने का एक मकसद है, ठीक है। अब जो बेली है, जिसके पास गुड्स जा रहे हैं, वो रिस्पॉन्सिबल है, उसकी पूरी जिम्मेवारी बनती है कि उसने गुड्स की टेक केयर करनी है और उनको एज अ टेस्ट जैसे उसको मिले थे सेम स्टेट में रिटर्न करना है या डिस्पोज करना है, अगर बेली ने कोई बेलर ने कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दी है। यानी जो गुड्स हैं या तो वो वापस मोड़ दिए जाएंगे बेलर को जब उसका टाइम आएगा, या उनको एज पर जो बेलमेंट का पर्पस होगा या जो बिल्डर ने स्पेसिफाई किया होगा पर्पस, उसके अकॉर्डिंग उनको डिस्पोज कर दिया जाएगा। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो मान लो एक फ्रेंड ने एक लैपटॉप अपने स्पेसिफिक टाइम के लिए एज अ बेलमेंट अपने फ्रेंड को दे दिया, वो बेलमेंट की एग्जांपल है। ड्यूटीज ऑफ बेलर, अनगिनत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो, जो ड्यूटीज हैं बेलर की, जो ओनर होता है इन रियलिटी गुड्स का, जो एज अ ट्रस्ट ऑन ट्रस्ट बेसिस बिल्ली को गुड्स देता है उसकी इंस्ट्रक्शन पे जो उस चाहता है वो काम करने के लिए, इसमें सबसे पहली जो ड्यूटी आती है वो आती है बेलर की कि उसको एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस बियर करने पड़ेंगे। देखो, जो बेलर है वो पूरा रिस्पॉन्सिबल है, उसको जितने भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस होंगे गुड्स को प्रिजर्व करने में या उनको मेंटेन करने में, वो सारे के सारे बेलर को बियर करने पड़ेंगे। दूसरा, उसको बेली को इंडेमनीफाई करना पड़े। देखो, बेलर की जिम्मेवारी बनती है, वो बेली को इंडेमनीफाई करेगा अगर कोई भी लॉस या डैमेज गुड्स के कारण बेली को सफ़र करनी पड़ती है, जब तक बेली अपने अथॉरिटी के अंदर एक्ट कर रहा है। अगर उसने अपने अथॉरिटी के बाहर जाके कुछ किया जिसके कारण गुड्स भी डैमेज होगी, उसको भी डैमेज फेस करने पर, फिर नहीं बेलर इंडेमनीफाई करेगा। अगर वो अथॉरिटी के अंदर काम कर रहा है बट गुड्स ने उसको कोई नुकसान पहुंचा दिया, तो बेलर उसको इंडेमनीफाई करेगा, उसकी ड्यूटी बनती है। डिस्क्लोज करने पड़ेंगे जितने भी फॉल्ट्स उसको पता है। देखो, बेलर को डिस्क्लोज करने पड़ेंगे जितने फॉल्ट्स उसको पता है, जितने डिफेक्ट्स गुड में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं वो सारे बेलर को, बेली को बताने पड़ेंगे। ये चीज़ बेली ने इंश्योर करनी है कि भाई उसको पता चल गई सारी चीज़ें, कि भाई बेलर को ये चीज़ें पता थी पर बेलर ने उसको जानबूझ के ये चीज़ें नहीं बताई, ये चीज़ का ध्यान बेली को रखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज। देखो, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज को हम प्लेज एग्रीमेंट के नाम से भी जानते हैं। ये तब होता है जब जो आपका प्लेजर एक पर्सन है वो गुड्स डिलीवर करता है या वैल्यूएबल एसेट्स एज अ सिक्योरिटी लोन के लिए, या अगर कोई भी पैसा उठाने के लिए वो दूसरे बंदे के पास रखता है जो जिसको आप प्लेज ही कहते हो, डैट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज। सिंपल कह लो गिरवी रखना, डैट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज। यानी जो प्लेज एसेट्स को तब प्लेज के अंदर, जो प्लेज ही है, जब भी प्लेज का एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होगा, यानी जिसके पास आप चीज़ें गिरवी रखते हो, वो एसेट्स को आपके तब तक रखेगा जब तक आप उसका पैसा वापस नहीं मोड़ोगे। अगर बंदा जिसने पैसे वापस देने थे प्लेजी को, यानी जो प्लेजर है, वो फेल हो जाता है, वो किसी भी कारणवश पैसे नहीं वापस दे पाता, तो प्लेजी के पास पूरी राइट है कि वो एसेट्स को सील करके अपना पैसा वापस रिकवर कर सकते हैं, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट का क्वेश्चन था सिंपल। सबसे पहले देखो, बेलमेंट, वैसे मैं आपको बता चुका, जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट है ये वो लीगल रिलेशनशिप है जहाँ पे एक पार्टी जिसे आप बेलर कहते हो वो गुड्स की पोजेशन दूसरी पार्टी जिसे आप बेली कहते हो उनको एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए दे देती है। जो बस जो गुड्स की सिर्फ पोजेशन जाती है, जो ओनरशिप है वो बेलर के पास ही थ्रू आउट द बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट रहती है। यानी बेली के पास जस्ट एक टेम्प्रेरी कंट्रोल और पोजेशन है गुड्स की। हायरिंग ऑफ अ बैंक लॉकर इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, क्वेश्चन आया था। देखो, जब एक इंडिविजुअल रेंट पे लेता है बैंक का लॉकर, वो एक कॉन्ट्रैक्ट के साथ बैंक के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट भी एंटर कर जाता है। यानी इसमें जो बैंक है वो बिली बन जाता है, जो पर्सन रेंट पे लॉकर ले रहा है वो बेलर बन जाता है। यानी जो पर्सन, अब जो पर्सन है
जो गुड्स वो उस लॉकर में रखेगा उसकी ओनरशिप बिलर के पास ही रहेगी, यानी बैंक जस्ट उसकी रिस्पॉन्सिबल है कि उसको उसने उन गुड्स को, उन वैल्यूएबल एसेट्स को सेफ रखना है, यानी एज अ बिल ही काम करना है। सो जो ये अरेंजमेंट है ये एग्जैक्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट के डेफिनेशन के अंदर आता है, यही उन्होंने पूछा था। या अगर कोई बंदा इंडिविजुअल बैंक से लॉकर ले रहा है तो वो बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। देखो जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी है ये वो कॉन्ट्रैक्ट है जहाँ पे एक बंदा जो प्रिंसिपल है वो अपॉइंट करता है दूसरे बंदे को, जिसे आप एजेंट कहते हो, कि वो उसके बिहाफ पे एक्ट करे और जितनी भी लीगल और बिजनेस एक्टिविटीज है वो उसके बिहाफ पे कैरी आउट करे। जो एजेंट है वो रिप्रेजेंट करता है प्रिंसिपल को और उसके पास पूरी पावर है, अथॉरिटी है कि वो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है, ज़रूरत के टाइम पे इंपॉर्टेंट फैसले ले सकता है, और जो उसको एक्ट लगता है कि भाई ये इंपॉर्टेंट है परफॉर्म करना है उसने प्रिंसिपल के बिहाफ पे, वो कर सकता है। यानी जो एजेंट है उसकी कुछ ड्यूटीज बनती हैं प्रिंसिपल की तरफ, जैसे एक तो उसको लॉयल रहना पड़ेगा, भाई धोखेबाजी नहीं करनी, अगर प्रिंसिपल ने जिम्मेवारी डाली है तो उसको पूरी शिद्दत से निभाओ, ओबीडियंस रूल्स मानो प्रिंसिपल के, और अपनी रीजनेबल केयर उसको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, कोई भी चराकी नहीं करनी। प्रिंसिपल भी कुछ बाउंड है एजेंट की तरफ कुछ एक्ट से, यानी जो एजेंसी के स्कोप के अंदर आते हैं, यानी जो एजेंसी की रिलेशनशिप है आप इसको एज अ एक्सप्रेस एग्रीमेंट भी क्रिएट कर सकते हो, पूरी हर चीज़ रिटर्न में कर सकते हो, इम्प्लाइड एग्रीमेंट भी होता है और ये बाय नेसेसिटी भी हो सकता है। अब मैंने नेसेसिटी का जिक्र किया तो एजेंसी बाय नेसेसिटी का क्वेश्चन आ गया। देखो ये वो सिचुएशन है जहाँ पे जो एजेंट है ना उसको आप ऑथराइज कर देते हो कि वो आपके बिहाफ पे एक्ट करे, यानी प्रिंसिपल के बिहाफ पे एक्ट करे, ऐसी कुछ सर्कमस्टांसिस में जहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ गई विदाउट प्रायर एक्सप्लिसिट अथॉरिटी। कहने का मतलब ये है आपको वो सिचुएशन आपने वो पहले डिसाइड नहीं की थी, अब अचानक एकदम से ऐसी सिचुएशन आ गई, अब जो आपका एजेंसी के में आप एजेंसी के कॉन्ट्रैक्ट में हो, अब जो एजेंट है वो विदाउट अथॉरिटी भी काम कर सकता है अगर वो फेवर में है, यानी अगर वो इतना ज़रूरी हो गया उसको कुछ ऐसा प्रिंसिपल के बिहाफ पे एक्ट करना तो वो कर सकता है। यानी ये होती है एजेंसी बाय नेसेसिटी, यानी ये तब अराइज करती है जब एक जेन्युइन या इमीडिएट नीड है, क्योंकि आपने अपने प्रिंसिपल का इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। अब वो कहते हैं कुछ वैलिड कंडीशंस क्या होती हैं जो आपको एजेंसी बाय नेसेसिटी के लिए जरूरी है, ये भी ऊपर में क्वेश्चन आया था एज अ चॉइस। वो कहते थे चूज करके बताओ इनमें से कौन से एक्ट वैलिड कंडीशंस हैं एजेंसी बाय नेसेसिटी की। सबसे पहले देयर शुड हैव बीन एक्चुअल और डेफिनेट कमर्शियल नेसेसिटी फॉर एजेंट टू एक्ट प्रॉम्प्टली। देखो अगर कोई कमर्शियल नेसेसिटी बन रही है, असलियत में है, बहुत ज़रूरी है, तभी एजेंसी बाय नेसेसिटी बनती है। यानी ये कंडीशन ये कहती है कि भाई एक जेन्युइन और स्पेसिफिक कमर्शियल नेसेसिटी का पैदा होना ज़रूरी है, जिसमें इमीडिएट एक्शन चाहिए एजेंट को, अगर उसने अपने प्रिंसिपल का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना है देन एजेंसी बाय नेसेसिटी विल बी अ वैलिड कंडीशन। दूसरा, एजेंट के पास उसको एक एज अ बोनाफाइड एक्ट करना पड़ेगा और वो बेनिफिट प्रिंसिपल के लिए होना चाहिए। यानी देखो गुड फेथ में एक्ट करना और बेस्ट इंटरेस्ट में प्रिंसिपल के एक्ट करना, ये एक एसेंशियल रिक्वायरमेंट है एजेंसी बाय नेसेसिटी। यानी नो डाउट आप अगर इमीडिएट डील में एक्ट कर रहे हो, बट ये नहीं होना चाहिए आप अपने फायदे के लिए कर रहे हो, आपका फायदा आपने प्रिंसिपल का करवाना है। द एजेंट शुड हैव अडॉप्टेड द मोस्ट रीजनेबल एंड प्रैक्टिकेबल कोर्स अंडर द सर्कमस्टांस। देखो एजेंट को ऐसा कोर्स ऑफ एक्शन चुनना पड़ेगा जो रीजनेबल भी है और प्रैक्टिकल भी है, जो ऑप्शंस उसको उस सर्कमस्टांस को स्टडी करके मिल रही है, वो कोई तीसरा अपने बिहाफ पे रास्ता नहीं चुनेगा, ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट आता है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। देखो जो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 है, ये भी एक इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन है इंडिया में जो गवर्न करती है गुड्स की सेल और परचेज को। इसमें जो मेजर चीज़ें हैं, एक तो सेल और एग्रीमेंट टू सेल क्या है, डॉक्ट्राइन ऑफ कवीट एम्प्टर, और राइट्स क्या है कंपेयर्ड सेलर की, वो हम सब स्टडी करेंगे जिसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले आता है लीगल लेटिन फ्रेज। देखो कुछ चीज़ें हैं उनके एक मैचिंग में क्वेश्चन आया था, उन चीज़ों को आप समझो। सबसे एक आती है कंसेंसस एड आइडम, ये टर्म आपने पढ़ी हुई है, ये यूज़ होती है जब माइंड्स आपके कुछ कॉमन चीज़ों पे मीट कर जाते हैं, यानी आपकी सहमति आपस में बैठ जाती है, उसे आप कंसेंसस एड आइडम के नाम से जानते हो। क्विड प्रो क्यू, कुछ कोई चीज़ के बदले में कुछ तो आपको देना पड़ेगा, समथिंग इन रिटर्न। क्वांटम मैरिट, जितना हो सके उतना कमाओ, ठीक है। एक क्वेश्चन था और,
क्लेम फॉर क्वांटम मैरियट कैन नॉट सक्सीड व्हेन इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ लमसम इज पार्टली परफॉर्म। देखो अगर आपका कोई इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट है जिसको आप डिवाइड नहीं कर सकते टुकड़ों में, वो लमसम के लिए बना था, उसमें अगर कोई भी पार्टली परफॉर्मेंस हो चुकी है तो जो आपका क्वांटम मैरिट का क्लेम है वो उस अमाउंट को एक्सीड नहीं कर सकता। देखो सिंपल वे में जो आपकी क्वांटम मैरिट है ये वो लीगल प्रिंसिपल है जो अलाउ करते हैं एक पार्टी को कि वो जितनी रीजनेबली कंपनसेशन बनती है उसके जो वर्क और काम जो उसने किया है उसके रिगार्डिंग वो उसको क्लेम कर सकता है। जो अब ये वो काम उसने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर किया था जो एट दी कुछ टाइम के बाद या तो अनइन्फोर्सेबल हो गया और या दोनों जो पार्टीज थी उन्होंने एग्री कर लिया कि भाई हम इतना ही पैसा इस कॉन्ट्रैक्ट के बदले में देंगे। सो जितना उसने काम किया था उतनी रीजनेबल कंपनसेशन वो क्लेम कर सकता है, बट जो क्लेम है वो सक्सीड नहीं कर सकता। अगर वो इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट है जो लमसम के लिए था तो उसमें आपने अपने पार्टली परफॉर्मेंस किया, मतलब कॉन्ट्रैक्ट आपने इंडिविजिबल कर लिया यानी उसके टुकड़े नहीं हो सकते थे, एक लमसम अमाउंट था परफॉर्मेंस आपने पार्टली की तो जो आपकी कंपेंसेशन है वो उस अमाउंट से ऊपर नहीं जा सकती। यानी जो इंडिविजिबल कॉन्ट्रैक्ट लमसम के होते हैं ना इसमें जो एंटायर परफॉर्मेंस है उसको ही एज अ सिंगल यूनिट कंसीडर किया जाता है, आप इसको सेपरेटेड या डिवाइड नहीं कर सकते। अगर तो आप इस कॉन्ट्रैक्ट पे पार्टली परफॉर्म कर रहे हो तो पार्टी कंपनसेशन ज़्यादा क्वांटम मैरिट से क्लेम नहीं कर सकती क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो खुद ही इंडिविजिबल है, उसको आप नहीं तोड़ सकते टुकड़ों में और आपने ऊपर से पार्शियल परफॉर्मेंस दी है, यानी आपको कई देखा जाए तो आप उतनी ही प्रोपोर्शनेट अमाउंट की कंपेंसेशन ले सकते हो जितनी रीजनेबल है। ठीक है, कवीट एंटर ये चौथा था, यानी बायर बिहेवियर, जो बायर है उसको खुद ध्यान रखना पड़ेगा कि वो सही चीज़ खरीद रहा है या नहीं खरीद रहता। सो ये चार लीटिंग फ्रेजेस थे जो उनके मतलब बनते हैं वो भी करा दिए और क्वांटम मैरियट से क्वेश्चन आया था मैंने वो भी करवा दिया। नेक्स्ट आता है, देखो अगर हम सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट की बात करें तो कुछ जो वैलिड कंडीशंस है सेल के लिए उनमें से चूज करके उन्होंने कहा था बताओ कौन सी ठीक है। सबसे पहले आता है टाइटल। देखो सेलर के पास लीगल राइट होनी चाहिए कि भाई वो ओनरशिप या टाइटल गुड्स का ट्रांसफर कर सकता है बायर, यानी अगर आपके पास ही राइट नहीं है तो वो सेल नहीं हो सकते। दूसरा डिस्क्रिप्शन, जो गुड्स हैं वो जो डिस्क्रिप्शन सेलर ने प्रोवाइड की थी बायर को वो सेम डिस्क्रिप्शन के साथ मैच खाने चाहिए। ठीक है, अब गुड्स का जिक्र हुआ है, गुड्स में से भी क्वेश्चन आया था। देखो अगर हम एज पर सेल ऑफ गुड्स एक्ट चले तो कुछ जो चीज़ें गुड्स को डिफाइन करती हैं, सबसे पहले मूवेबल प्रॉपर्टी। देखो गुड्स वो टेंजेबल आइटम्स हैं जिनको आप देख सकते हो, टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, जिनको मूव किया जा सकता है या ट्रांसफर किया जा सकता है एक पार्टी से दूसरी पार्टी पर, ये गुड्स होते हैं। सेकेंड है ग्रोइंग क्रॉप्स। देखो जो क्रॉप्स लैंड के साथ स्टिल अटैच्ड है और आप उनको भी आपने उनको हार्वेस्ट नहीं किया तो वो भी एज अ गुड्स आप उसको कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी उन्होंने आपका कहा था चूज करके बताओ इनमें से कौन से एज पर डेफिनेशन ऑफ गुड्स अंडर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 पूरे प्रॉपरली मैच खा रहे हैं। अब सेल और एग्रीमेंट टू सेल क्या फ़र्क है इसमें? देखो जो सेल होती है ये वो कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें जो ओनरशिप है गुड्स की वो ट्रांसफ़र कर दी जाती है सेलर के द्वारा बायर पे फॉर अ प्राइस। बायर ने एक प्राइस पे किया, गुड्स की ओनरशिप सेलर ने बायर को ट्रांसफ़र कर दी, वो होता है सेल, यानी इसमें इमीडिएट ट्रांसफ़र हो जाता है ओनरशिप का। एग्रीमेंट टू जो सेल है ये वो कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें सेलर एग्री तो कर जाता है कि वो ओनरशिप को ट्रांसफ़र कर देगा बायर पे, बट करेगा एक फ्यूचर डेट पे या कोई ऐसी कंडीशन होगी जिसकी अक्रेंस उसको कहेगी कि भाई अब आपने ओनरशिप ट्रांसफ़र कर लिया, यानी इसमें इमीडिएट ट्रांसफ़र नहीं होता। यानी ये ऐसा एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट टू सेल में जो ओनरशिप है ना तो वो इमीडिएटली ट्रांसफ़र होती है बट एट अ लेटर फ्यूचर टाइम, या तो डेट पे डिपेंड करेगा या कोई चीज़ पे होने पे डिपेंड करेगा तब ट्रांसफ़र हो जाएगी। अब मैंने आपको कवीट एम्प्टर किया था, डॉक्ट्राइन ऑफ कवीट एम्प्टर से क्वेश्चन आया था। देखो जो डॉक्ट्राइन ऑफ कवीट एम्प्टर है इसका मतलब सिंपल यही है कि लेट द बायर बिहेवियर। अगर हम इसकी डॉक्ट्राइन की बात करें तो ये सिंपल डॉक्ट्राइन यही कहती है जो बायर है वो खुद रिस्पॉन्सिबल है, उसने गुड्स की डिलीवरी लेने से पहले उनको एग्जामिन करना है, अपने आप को संतुष्ट करना है कि उस वो जो क्वालिटी उसने मांगी थी उसको वो क्वालिटी मिल रही है, उस वो गुड्स उसकी नीड्स को सूट कर रहे हैं और जो कंडीशंस उसने परचेज करनी थी वो कंडीशन उसकी पूरी हो रही है। यानी सेलर की किसी भी हद में कोई लायबिलिटी नहीं बनती कि अगर कोई डिफेक्ट और डेफिशिएंसीज है वो उसने अगर
कहने का मतलब केवल सेलर की जिम्मेवारी नहीं बनती कि उसने डिफॉल्ट से कुछ बताने है, बायर की ज्यादा बन रही है। अगर वो चीजें खरीद रहा है तो वो चीजों को चेक करके ले, ठीक है। दैट इज द डॉक्ट्राइन ऑफ कवीट एम्प्टर। एक और क्वेश्चन था सेम ही है, जो लेटिन टर्म इसके लिए थी वो है कवीट एम्प्टर, जिसका मतलब बायर बिहेवियर है। यानी ये सिंपल यही कहती कि बायर को पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी, बड़ी ध्यान से उसको फैसले लेने पड़ेंगे, गुड्स को एग्जामिन करना, प्रॉपर्टी को एग्जामिन करना परचेज से पहले, ये बायर की जिम्मेवारी बनती है। यानी बायर अपने आप को हर उसको जितनी पॉसिबल है वो इन्फॉर्मेशन गैदर करेगा बाइंग से पहले, क्वालिटी के रिगार्डिंग, कंडीशन या टर्म्स और ट्रांजेक्शन के सारों के रिगार्डिंग बायर की जिम्मेवारी बनती है। राइट्स क्या है अनपेड सेलर की, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, ये 2023 दिसंबर के पेपर में पहला क्वेश्चन था। देखो जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट है वो कुछ राइट्स देता है अनपेड सेलर को, अगर बायर किसी भी कारणवश उसको पेमेंट नहीं देता, यानी वो सेलर अनपेड में कन्वर्ट हो गया, उसकी कुछ राइट्स बनती हैं। सबसे पहले आते हैं राइट ऑफ लाइन। देखो अनपेड सेलर के पास पूरी राइट है कि वो पोसेशन रिटेन कर सकता है गुड्स की जब तक उसकी पेमेंट क्लियर नहीं हो, यानी वो पोसेशन ट्रांसफर करेगा ही नहीं कभी। दूसरी राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट। देखो अगर गुड्स रास्ते में है तो और बायर इंसॉल्वेंट हो गया, उसने पेमेंट नहीं दी, तो अनपेड सेलर के पास पूरी राइट है कि वो गुड्स की डिलीवरी को स्टॉप कर सकता है और उसकी पोजेशन को रीगेन कर सकता है। अब जो राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट है, ये एक ऐसी लीगल राइट है जो अनपेड सेलर द्वारा एक्सरसाइज की जाती है। ये सेलर को अलाउ करते हैं कि वो पोजेशन गुड्स की रीगेन कर ले अगर गुड्स ट्रांजिट में इन डिलीवरी है और किसी भी कारणवश बायर ने उसके पैसे नहीं दिए, वो इंसॉल्वेंट बन गया, ठीक है। अब जो ये राइट है ये इनेबल करती है सेलर को कि वो गुड्स की जो डिलीवरी उसको हॉल्ट कर सकता है, उसको रोक सकता है और कंट्रोल उस पर दोबारा से एक्वायर कर सकता है जब तक उसके ड्यूज क्लियर नहीं होते। सो ये इसका क्वेश्चन इंडिविजुअल, इस राइट का क्वेश्चन भी आया हुआ है। राइट टू रीसेल, देखो अगर तो बायर डिफॉल्ट कर रहा है, वो पेमेंट ड्यूज अनपेड सेलर के नहीं क्लियर कर रहा, तो अनपेड सेलर के पास राइट है वो गुड्स को रीसेल कर सकते हैं एक प्रॉपर बायर को नोटिस देने के बाद। वो नोटिस में ये लिखाना चाहिए भाई आपने तो पैसे दिए नहीं, अब मैं ये गुड्स को किसी और को सेल कर रहा हूँ। सो जो रीसेल रिजल्ट से उसको लॉस होगा वो ओरिजिनल बायर लायबल है उस डिफरेंस को पूरा करने के लिए। कहने का मतलब अगर आपने पहले एक जो मेन बायर था आपने उसको 100,000 में गुड्स सेल किए, अब जब उसको रीसेल कर रहे हो आपको 80,000 ही मिला, सो 20,000 का गैप है, ये भी ओरिजिनल बायर लायबल है आपको पे करने के लिए। राइट टू स्यू फॉर डैमेजेस, अनपेड सेलर के पास पूरी राइट है कि जितनी डैमेजेस उसको नॉन पेमेंट के कारण फेस करनी पड़ी सेलर को, वो सारी उसको क्लेम कर सकता है फ्रॉम ओरिजिनल बायर। यानी जो एक ना लियन से क्वेश्चन आया था, जो लियन है वो राइट है जिसमें आप पोजेशन रिटेन कर लेते हो गुड्स की और रिफ्यूज़ कर देते हो कि भाई हमने इसको डिलीवर नहीं करना, बायर को आप तब तक गुड्स नहीं देते जब तक जो प्राइस बनता है वो आपको देता नहीं है या उसके लिए कोई टेंडर नहीं आपको देता। यानी जो लियन है बींग अ लीगल राइट, सेलर की राइट बनती है, ये गुड्स को होल्ड ऑन कर सकता है जब तक बायर उसकी पेमेंट की जो ऑब्लिगेशन है वो पूरा नहीं करता। जो अनपेड सेलर है अब उसके पास पोजेशन है गुड्स की जो उसने भेजे थे, यानी वो पूरी राइट ऑफ लेन एक्सरसाइज कर सकता है गुड्स पे, अगर जो गुड्स उसको जो स्टिपुलेटेड टाइम के बीच अगर बायर उसको पेमेंट नहीं दे रहा। जब गुड्स आप बेच रहे हो, कोई आपने अगर क्रेडिट एग्रीमेंट नहीं किया, तो सेलर उसके गुड्स की रिटेन कर सकता है पोजेशन जब तक उसकी पेमेंट्स क्लियर नहीं होती। अगर तो आपने कोई क्रेडिट एग्रीमेंट किया है फिर आपको उस एग्रीमेंट के टर्म्स को मानना पड़ेगा, तब तक वेट करनी पड़ेगी जब तक आपने उसको टाइम या ग्रांट एक्स्ट्रा टाइम ग्रांट किया है। अनपेड सेलर का क्वेश्चन एक और आया था, ये मैंने वैसे आपको बता दिया, एक बार फिर ऊपर से बता देता हूँ। जो अनपेड सेलर है ये वो पर्सन है जिसने गुड्स तो बेच दिए बायर को बट अभी तक उसको गुड्स के रिगार्डिंग पेमेंट नहीं मिली। अगर सिंपल में मैं बताऊँ, गुड्स की डिलीवरी बायर तक इसने कर दिया बट बायर ने अभी तक इसको गुड्स के रिगार्डिंग सेल एग्रीमेंट के अंदर एज पर उसकी कंडीशन के रिगार्डिंग कंपनसेट नहीं किया। देखो जब तक सेलर को पैसा नहीं मिलता तब तक वो आपका अनपेड सेलर के नाम से ही जाना जाता है। राइट्स, देखो हमने सेलर की तो राइट्स कर ली, अनपेड सेलर्स भी कर ली, बायर की भी कुछ राइट्स है। देखो सेल्स ऑफ गुड एक्ट कुछ सर्टेन राइट्स बायर को भी ग्रांट करता है, जिसमें सबसे पहले आती है राइट टू ऑब्टेन डिलीवरी। बायर के पास पूरी पावर है कि उसने गुड्स को रिसीव करना है, डॉक्यूमेंट्स जो उसकी ओनरशिप को बताते हैं वो सेलर से रिसीव करने हैं, ये उसकी पूरी राइट बनती है। राइट टू रिजेक्ट डिफेक्टिव गुड्स, देखो अगर तो जो गुड्स सेलर बायर को बेच रहा है
अगर तो सेलर ने एज पर डिस्क्रिप्शन गुड्स बायर को नहीं प्रोवाइड किए, या तो इन्फीरियर क्वालिटी के दे दे, या उसकी जो एग्रीड स्पेसिफिकेशन उस पर वो खरा नहीं उतर पाया, तो बायर के पास पूरी राइट है कि वो गुड्स को रिजेक्ट, आउटराइटली रिजेक्ट कर सकता है। राइट टू सू फॉर डैमेजेस, देखो जैसे सेलर, अगर बायर सेलर को खराब करता है, सेलर के पास पूरी राइट है कि वो डैमेजेस क्लेम कर सकता है, सेम राइट बायर के पास भी है। यानी अगर बायर भी सेलर को सू कर सकता है फॉर डैमेजेस, अगर सेलर फेल हो जाता है गुड्स को डिलीवर करने पे टाइम पे, या किसी भी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट की टर्म को वो ब्रीच करता है, तो बायर के पास पूरी राइट है कि वो डैमेजेस क्लेम कर सकता है। राइट टू स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, कुछ ऐसे भी केसेस हैं जहां बायर के पास राइट है कि वो कोर्ट से ऑर्डर ले सकता है कि भाई सेलर को ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करनी पड़ेगी, यानी वो कंपेल कर सकता है सेलर को कि भाई जो भी उसकी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस हैं उसको वो पूरी करनी ही पड़ेगी। देखो एक ना क्वेश्चंस आते हैं, वो ना आपको सेक्शंस दे देते हैं, वो कहते हैं सेक्शंस तो मैच करके बताओ। देखो जो सेक्शन 64 है वो है सेल बाय ऑक्शन का, सेक्शन 13 ब्रीच ऑफ वारंटी का है, सेक्शन 15 सेल बाय डिस्क्रिप्शन क्या है, सेक्शन 27 ट्रांसफर ऑफ टाइटल क्या, जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब इसमें एक वारंटी का क्वेश्चन आता है। देखो अगर मैं आपको वारंटी की बात करूं, अगर वारंटी के कॉन्टेक्स्ट में हम बात करें, तो जो बायर है ना उसके पास टिपिकली राइट है कि वो डैमेजेस क्लेम कर सकता है प्रोडक्ट और गुड्स के रिगार्डिंग, अगर वो जो उसकी जो प्रोडक्ट्स और गुड्स है टर्म्स और कंडीशंस को या स्पेसिफिकेशन को एग्री नहीं कर रहे और वारंटी की टर्म्स को एग्री नहीं कर रहे। यानी वारंटी एक तरीके की गारंटी है जो सेलर प्रोवाइड करता है बायर को रिगार्डिंग क्वालिटी, परफॉर्मेंस या कंडीशन प्रोडक्ट की। अगर तो प्रोडक्ट फेल हो जाता है, वो इन टर्म्स पे वारंटी की पूरा नहीं उतर पाता किसी भी कारणवश, तो बायर के पास पूरी राइट है वो कॉम्पेंसेशन क्लेम कर सकता है जो लॉस या डैमेज उसको एज अ रिजल्ट उसका सफ़र करना पड़ा। यानी सिंपल वे में वारंटी एक टर्म या कंडीशन कह लो आप कॉन्ट्रैक्ट की, जो इसेंशियल नहीं है आपका जो मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है उसके रिगार्डिंग, ठीक है। ये ध्यान से लाइन सुनो, वारंटी इज अ टर्म और कंडीशन इन अ कॉन्ट्रैक्ट दैट इज नॉट इसेंशियल टू मेन पर्पस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। इसका मेन कॉन्ट्रैक्ट्स के उसके वैलिड या नाम वैलिड होने से कोई लेना देना नहीं है, बट जब भी वारंटी ब्रीच होगी, बट अगर नुकसान होता है वारंटी ब्रीच होती है, तो जो एग्रीव्ड पार्टी है जिसको नुकसान झेलना पड़ा वो रेप्यूडेट या टर्मिनेट कर सकती है कॉन्ट्रैक्ट का। मतलब नहीं, आप ये समझ लो वो कॉन्ट्रैक्ट का रेप्यूडेट या टर्मिनेट नहीं कर सकती, इंस्टेंट वो उनके पास केवल ये पावर है कि आप वो डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं ब्रीच के। मतलब कहने का मतलब पता क्या है, अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ, अब कॉन्ट्रैक्ट में वारंटी तो नहीं मेन पर्पस है, अब ये वैलिड इसेंशियल्स में तो नहीं आता। अगर ये वैलिड इसेंशियल्स में आता होता तो आप इसको रेप्यूडेट या टर्मिनेट कर सकते थे, अब आप ये इसेंशियल में तो आ नहीं रहा। सो आप अगर आपको वारंटी की टर्म्स किसी भी कारणवश ब्रीच हो रही है, आपके पास ये बायर के पास राइट बनती है कि वो डैमेजेस कंपेंसेट, जो डैमेजेस के रिगार्डिंग कॉम्पेंसेशन बनते हैं वो उसको क्लेम कर सकता है। यानी अगर हम बात करें तो जैसे कंडीशंस में होता है ना, बट जो ब्रीच ऑफ वारंटी है ना, ये अग्रीव पार्टी को ये राइट नहीं देती कि आप कॉन्ट्रैक्ट को एज अ वॉइड ट्रीट करो और उसको डेप्यूडेट कर लो, बट ये सिंपल ये कहती है, जो वारंटी का कॉन्ट्रैक्ट है ये कहता है कि आप अगर डैमेजेस आप फेस करते हो, कोई भी कारणवश आपको प्रॉब्लम आती है, आप कॉम्पेंसेशन को क्लेम कर सकते हो, ठीक है। बाकी जो मैंने सेक्शंस बताए वो लिखे हुए हैं, सो यहाँ पे हम आज का सेशन करते हैं वाइंड अप।